हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वापी रायगढ़ पार्ट टू। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में ऊपर गेट देख सकते हैं, ये देखिए इस पे लिखा है तानाजी मालुसरे का गांव, ऐसा कुछ एंट्रेंस पे। ये मेरे ये जो है ये सिटी का मेन एंट्रेंस है जहाँ से उनका गांव का रास्ता स्टार्ट होता है। और ये हमारा वापी टू रायगढ़ डे टू है और हम अभी पोलतपुर से निकल रहे हैं अपने फ्रेंड के गांव के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके अंदर हमने बहुत ही स्कॉर्पियो के साथ ऑफ रोडिंग भी किया है। और चलिए, मैं जैसे जैसे रास्ता स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपको बात बताते जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो माउंटेन से जो हिल से उसका व्यू कितना मस्त आ रहा है। और या जो ये जो हिल्स आपको दिख रहे हैं इसमें से ही एक हिल है जहाँ पे हमें, मतलब एक माउंटेन है जहाँ पे हमें चढ़ना है। अगर हम वाया स्कॉर्पियो चढ़ पाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत ही कम चांसेस है कि स्कॉर्पियो ऊपर चढ़े, क्योंकि दूसरी गाड़ी तो नहीं चढ़ पाई है। हमारा फ्रेंड पहले भी एक बार ट्राई कर चुका है, उसकी गाड़ी वहीं पे नीचे खड़ी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और थोड़ी ही आगे आपको तानाजी मालुसरे के गाँव का बोर्ड दिखेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे आगे आपको वो तानाजी मालुसरे के गांव का बोर्ड आपको दिख जाएगा। वो देखिए वहाँ पे उमरोट लिखा हुआ है, 8 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम सीधे जाते हैं तो हम सीधा तानाजी मालुसरे के गांव पहुँच जाएंगे। और उनके गांव में अभी भी उनके वंशज हैं जो रह रहे हैं, और कुछ शूटिंग के सीन्स भी वहाँ से लिए गए हैं। तो इस बार हमारे पास टाइम कम था इसके लिए हम वहाँ नहीं जा पाए, और यहाँ से अब हमारा टर्न आ गया है, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। तो नेक्स्ट टाइम हम कभी आपको उनका गाँव भी जाके दिखाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको जो व्यू है वो बहुत ही मस्त दिखने वाला है। आप देख सकते हैं जो रास्ता है पूरा जंगल से जंगल है उसके आजू बाजू में, और रास्ते पे कोई उतनी खास ज़्यादा पब्लिक नहीं है, और इनके गांव में भी उतनी पब्लिक नहीं है। ऊपर मेरे ख्याल से 10 से 12 ही घर है, वो मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा। और यहाँ से उसके गाँव का, एक्चुअली उसका गाँव पहाड़ पर है और उसके नीचे भी एक गाँव है, तो सबसे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा, फिर वहाँ से जो रास्ता है पहाड़ के ऊपर फिर वहाँ से जाता है। तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, विदाउट स्किप करते हुए आप ये वीडियो एंजॉय करिए, क्योंकि आगे बहुत ही मजा आने वाला है और हमने बहुत ही एंजॉय किया है। लेट्स गो।
अब जो सबसे मेन और इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, हमें ये जो आपको ये जो हिल्स दिख रहे हैं, जो पहाड़े दिख रहे हैं, इसके ऊपर अभी हमें जाना है, क्योंकि जो गांव है हमारे फ्रेंड का वो इसके ऊपर है। तो अभी हम गाड़ी से जा रहे हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि गाड़ी ऊपर तक चढ़ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं चढ़ पाई तो हमें पैदल जाना पड़ेगा। और मैं ये चीज़ पूरा आपको रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी जाती है कि नहीं। और अभी चलो देखते हैं, अभी तो मेन चढ़ा नहीं, अभी तो मेन नॉर्मल रोड है। जब चढ़ान आती है तो मैं आपको वहाँ से शूट करके बताता हूँ कि गाड़ी प्रॉपर ऊपर जा पाती है या फिर हमें ऊपर का रास्ता पैदल ही चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम जो हमारे एक मतलब जिसका जो हमारा एक दोस्त है राहुल, उसकी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, ये गाड़ी ऊपर नहीं जा पाती है प्रॉपर। तो अभी हम स्कॉर्पियो से ट्राई कर रहे हैं अगर ये गाड़ी ऊपर प्रॉपरली चढ़ जाए, वरना हमें चल के जाना पड़ेगा। और यहाँ से मेन जो चढ़ान होती है वो चालू होती है। तो चलिए अब मैं पूरा वीडियो आपको यहाँ से कवर करके दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसे ऊपर जाती है। तो फ्रेंड्स, आप स्कॉर्पियो का पावर देख सकते हैं। हम लोग ये स्कॉर्पियो से कितनी ऊंचाई पे आए हैं खाई पे। तो पर्सनली बोले तो ऑफ रोडिंग के लिए स्कॉर्पियो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। आज तो पर्सनली मैंने देख भी लिया है। आप इस वीडियो को देखिए ज़रा ध्यान से पीछे, तो आपको ऑफ रोडिंग का मतलब पता चल जाएगा। बहुत ही ऊपर, आई थिंक मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर कुछ ऊपर गाँव है एकदम टॉप पे। अभी भी थोड़ा रास्ता बाकी है, ये ऊपर हमें जाना है। और हम इसी स्कॉर्पियो में आए हैं, प्रॉपर ऊपर आ गए हैं अभी तक। थोड़ा उसके लिए ड्राइवर एक अच्छा चाहिए, तो वो प्रॉपरली चला सकता है। और ये खाई है, मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा कि कितने ऊंचे पे खाई है। और ये गाड़ी हम ट्राई करेंगे कि एकदम टॉप पे ऊपर चले जाए। तो चलिए, अभी बैटरी भी डाउन हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा जो मेन मेन शॉट्स है वो दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अभी स्कॉर्पियो ऊपर आने वाली है, स्टार्ट हो गई है। अभी आप देखो कैसे ऑफ रोडिंग होती है स्कॉर्पियो की, और कैसे हिल पे ला रहे हैं। हाँ, मैं साइड में उछल। फ्रेंड्स, गाड़ी तो ऊपर चली गई है, अब हम पैदल ही जा रहे हैं 4-5 लोग ऊपर। गाड़ी हम लोग ने भेज दी है, मैं आपको शूट मतलब दिखाने के लिए कि गाड़ी ऊपर कैसे आती है प्रॉपर। अब थोड़ा रास्ता बचा है जो हम लोग पैदल कवर कर लेंगे, और फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है, मैं ऊपर जाकर एक एंड वीडियो बना दूंगा। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग गाँव के ऊपर आ गए, और थैंक्स टू विजय, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर भी चाहिए बहुत ही अच्छा चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइवर ख़राब होगा तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। और सभी हम ऊपर पहुँच चुके हैं, और ये यहाँ पे कुछ अराउंड 10 घर हैं यहाँ पे। और चलिए, अब फ़ोन भी डाउन हो गया तो मैं उसे चार्ज कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं वापस ब्लॉग शूट करूँगा। तो ये कुछ यहाँ के सीन्स हैं जो कि बहुत है, और मॉर्निंग में तो ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। और पूरा सब पहाड़ के ऊपर है, अराउंड 2 किलोमीटर ऊपर था फ्रेंड, चढ़ने में बहुत ही मुश्किल हुई,
लेकिन ड्राइवर और गाड़ी भी अच्छी थी तो इजीली हम ऊपर आ गए। तो और यहाँ पे फ्रेंड्स लाइट तो है, मतलब यहाँ पे बिजली अवेलेबल है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं वो भी आपको बताऊँगा कि यहाँ पे पानी मतलब इन लोग कैसे लाते हैं और कैसे वो पानी को प्रिजर्व भी करते हैं। इन्होंने कुछ मतलब टेक्निक यूज़ की है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए अब मैं फ़ोन को चार्ज में लगा देता हूँ। और हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है लेकिन पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी मैं आपको पानी का सोर्स बताता हूँ कि यहाँ पे पानी का सोर्स क्या है। हमें थोड़ा फ्रेश भी होना था, तो ये लोग मतलब फ्रेश होने के लिए भी और पीने के लिए भी वही पानी को यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पानी का सोर्स है कहाँ। तो चलते हैं, अब हम वो देखते हैं। इन्होंने मतलब कुछ टेक्निक लगा के थोड़ी मतलब ये ईंट और पत्थर ला के इन्होंने थोड़ी सीमेंट की यूज़ करके एक स्क्वायर सा बनाया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे पानी कैसे बचा के और मतलब यूज़ किया जाता है, मतलब पानी का जो पानी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको पता चलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो फ्रेंड्स, हम धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे वो मतलब पानी का जो हम उसे मतलब कुआं एक टाइप का बोल सकते हैं, उसमें पानी तो ज़्यादा नहीं है। और आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पानी की वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ से ये पीने का और फ्रेश होने के लिए भी पानी यूज़ करते हैं। ये देखो, यहीं पर पानी मतलब जो जमा होता है यहाँ से ऊपर से आके पहाड़ों से, और वही पानी ये यूज़ करते हैं। मैं भी यही पानी अभी फ़िलहाल पी रहा हूँ यहाँ पे, और पानी ऐसे कोई ख़राब नहीं है। और यहाँ पे कोई पानी का दूसरा सोर्स भी नहीं है कि आप उसे यूज़ कर सको, तो ये एक सिंगल सोर्स है। तो यही सोर्स से उन्हें, यही पानी से उन्हें काम चलाना पड़ता है, और हम भी अभी यही पानी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कोई पानी में मुझे प्रॉब्लम तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी पानी हम उतना अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये एक सिंगल ऑप्शन है, तो अभी हम इसी से काम चला रहे हैं। और यहाँ से कुछ ये सीन है, और यहाँ पे हम जो जहाँ पे ऊपर आए हैं, यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं, मेरे ख्याल से 10 से 12 घर हैं, और उतने ही मतलब मेरे ख्याल से 20 से 25 जन यहाँ पे रहते होंगे ऊपर, और उससे ज़्यादा नहीं है। और फिर ऊपर आने के लिए कोई ट्रैवल ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास पर्सनल कार है, वो भी अगर ऑफ रोड व्हीकल है, तो आप इजीली आ सकते हैं, नहीं तो आपको फिर पैदल ही आना पड़ेगा। और यहाँ से नीचे का सीन बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब घूमने के लिए अगर आप चाहें तो ये साइड आ सकते हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है फ्रेंड्स। तो मैं आपको स्पेशली यही चीज़ दिखाना चाहता था कि यहाँ पे पानी की वैल्यू कितनी है। तो ये यहाँ के कुछ सीन्स हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आई विश कि कोई आए ये साइड में, यहाँ पे यहाँ की लाइफ स्टाइल तो बहुत हार्ड है, अगर दिखना हो तो ज़बरदस्त है। हेलो फ्रेंड्स, शाम हो गई है, हम लोग अभी भी ऊपर ही हैं, और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि रात हो गई है और अराउंड 8:20 ऐसा कुछ हो रहा होगा और यहाँ पे पूरी रात हो गई और पूरा सन्नाटा छा गया है। और मेरे फ्रेंड्स का कुछ नॉनवेज का प्रोग्राम था खाने का, तो हम उसी के प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वही हम लोग ने अभी आग सेट की है और बाकी फ्रेंड्स कुछ मेरे साथ संकेत वैभव ये सब बैठे हुए हैं और बाकी पीछे चिकन कट कर रहे हैं। तो मैं आपको आग के कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ। और ये हमारे साथ सोनू और संकेत और वैभव यहाँ पे बैठे हुए साथ में, आपको दिखाई नहीं देंगे, रात हो गई है इसके लिए। और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ से, थोड़ी लाइट दूर दूर तक आपको दिख रही होगी। और ये साइड गांव और घर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहती है और ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कट का कोई इशू बड़ा इशू नहीं है। और सामने से कुछ सिटी की लाइट्स आ रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आपको कैमरे में तो क्लियर नहीं दिख पाएगा रात के टाइम में इसके लिए। तो चलिए अब ये सारे फ्रेंड्स आ जाते साथ में, तो मैं वीडियो शूट करता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स इन्होंने चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया है और सभी मसालों को लेके ये रेडी हैं और उन्हें मसाले भून रहे हैं, तो मैं स्लो स्लो आपको दिखाता हूँ। और ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी सब साथ में ही हैं। और ठीक है चलो, तो आगे देखते हैं चिकन कैसे बनता है। ऐसे मुझे तो उतना खास पसंद नहीं है, लेकिन चलो अब फ्रेंड की तरफ से उनका रिव्यू लेंगे यहाँ पे कैसा बना रहे चिकन। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको कुछ वहाँ के शादी के शॉर्ट्स डाल देता हूँ, मतलब उनके शादी के कुछ वीडियोस डाल देता हूँ, जिससे उनके भी कल्चर का आपको पता चल जाए। इतने ऊपर वो भी कितने खुशी के साथ हर कल्चर हर फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं कुछ शॉर्ट्स डालता हूँ, वो देख के आप इंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स और आपने रात का वीडियो देखा, उसमें हमने भी डांस किया था, लेकिन वो हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हम सभी डांस कर रहे थे। और अभी दूसरी मॉर्निंग हो चुकी है और सब उठ चुके हैं और यहाँ के ये कुछ सीन्स हैं। और अभी थोड़ी देर में हम फ्रेश भी होने जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ का मॉर्निंग कितना ब्यूटीफुल होता है।
तो फ्रेंड्स अभी हम नीचे आ गए हैं और नीचे आने के बाद हम अपने फ्रेंड के जो ससुराल होता है जहाँ पे शादी थी वहाँ पे पहुँच गए थे और ये उसके कुछ शॉट्स हैं उसके शादी के। और यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड ने बैंजो बजाना चालू कर दिया था गोकुल ने, तो मैं भी थोड़ा नाच लिया उसके अंदर एंजॉय कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो ये ख़त्म होता है और हम बस से उतर के अब वापस ऊपर जा रहे थे पहाड़ पे। इस बार हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी तो और हमें पैदल ही ऊपर जाना पड़ा था। आप पीछे देख रहे हैं सारे फ्रेंड्स सब साथ में ही ऊपर जा रहे हैं। तो दैट्स इट, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कहीं कोई ट्रिप प्लान करेंगे तो।